टीम इंडिया वर्ल्ड कप का फाइनल हार गई। रोहित शर्मा समेत उनकी पूरी टीम के चेहरे पर दुख, पीड़ा और दर्द दिखा। उनको सराहना देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ड्रेसिंग रूम पहुंचे। आइए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर क्या क्या हुआ। नमस्कार, मैं हूँ समीक्षा दीक्षित और आपका स्वागत है सत्योदय मीडिया में। जैसे कि आपको पता ही है कि इंडिया वर्ल्ड कप हार चुका है और वो दर्द अभी भी हर हिंदुस्तानी के दिल में जिंदा है। इस बार तो मानिए पूरा पूरा ये लिखा जा चुका था कि फाइनल टीम इंडिया के मुट्ठी में ही है, क्योंकि सेमीफाइनल तक जैसा प्रदर्शन रहा था टीम का, एक भी मैच नहीं आ रही, चाहे फिर वो साउथ अफ्रीका हो, इंग्लैंड हो, न्यूजीलैंड हो, पाकिस्तान हो, कोई भी टीम हो, टीम इंडिया कहीं पर भी नहीं चूकी। बड़ी बड़ी टीमों को, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड जैसी टीमों को 150-150 रन पर समेट दिया टीम इंडिया ने। लेकिन फिर आखिर फाइनल्स में ऐसा क्या हो गया जो करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल टूट गया और ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर से फाइनल्स जीत गए। देखिए, फाइनल्स में टीम इंडिया ने जैसा कि फर्स्ट इनिंग में टारगेट टीम इंडिया ने बनाए थे 240 रन और ऑस्ट्रेलिया को चेस करने थे 241 रन। कई क्रिकेट फैंस और विश्लेषकों का मानना था कि 241 रन अहमदाबाद के उस फील्ड पर चेस करना आसान नहीं था, 240 रन भी काफी थे। लेकिन टीम इंडिया की बॉलिंग में वो भूख नहीं दिखी उस दिन। बॉलरों के हाथ से बॉल निकल रही थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बैट पर इस कदर आ रही थी कि मानिए ऑस्ट्रेलिया वाले जीतने के लिए ही खेल रहे हो, उनको दूसरा हार का उनको कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था, सिर्फ और सिर्फ जीत वो तय करके आए थे। उसके बाद जैसा कि हम सभी को पता है कि टीम इंडिया फाइनल्स हार जाती है और हमारे खिलाड़ियों के आंखों में वो आंसू, चाहे मोहम्मद सिराज हो, चाहे किंग कोहली हो, चाहे हमारे कप्तान रोहित शर्मा हो। रोहित शर्मा एक ऐसे इंसान हैं जिनके इमोशंस आपने बहुत कम ही देखे होंगे, ना के बराबर ही देखे होंगे। अगर वो खुश होते हैं तो हाँ, वो चीज़ दिखती है, लेकिन ऑन फील्ड या फिर ऑफ फील्ड आपने रोहित शर्मा को इमोशनल बहुत ही कम देखा होगा। अपने ड्रेसिंग रूम में वापस जाते वक्त, सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त कई सारे खिलाड़ी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थे। इसी के साथ उनको कंसोल करने के लिए उनकी फैमिलीज भी वहाँ पर थी, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा जेस्चर देखने को मिला जो था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उस दिन नरेंद्र मोदी स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे मैच देखने के लिए, उनके गृह मंत्री अमित शाह भी थे। जैसे कि टीम इंडिया हारती है, सब विनिंग सेरेमनी खत्म होती है, इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ड्रेसिंग रूम जाते हैं, सभी खिलाड़ियों को कंसोल करते हैं, उनसे कहते हैं कि वो अच्छा खेले, अच्छा लड़े, जीते नहीं तो क्या हुआ, लेकिन उन्होंने देश के लिए लड़ा। तो आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जेस्चर कैसा लगा, इसी के साथ आप फाइनल्स को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। सत्य से और भी वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, तब तक के लिए।